जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह लक्की डिफेंस एकेडमी लाडनू राजस्थान से। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स रहते हैं खासकर इंडियन आर्मी है या आपकी एसएससी जीडीए या बंदों की नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आज के जो खासकर आर्मी है या हमारे एसएससी जीडीए या और भी कोई ऐसी बेल्ट की नौकरी है जिसमें आपको मेडिकल चेक किया जाता है, तो उसमें आंखों आंखों के मैं एक से लेके 10 पॉइंट कवर करने वाला। जी हाँ दोस्तों, कितने 10 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। उसमें आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा कि यदि इस प्रकार की आप में आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा। मेडिकल पॉइंट मिलेगा तो आप फिट रहोगे या अनफिट रहोगे, तो ये भी आपके अंदर रहेंगे, या कितना आपको 50-50% आपको चांस रह सकता है या कितना रह सकता है, पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो 5 से 10 मिनट का रहेगा, लेकिन आंखों से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आर्मी या एसएससी जीडी के अंदर है, आई रोटेशन, जिसको हम बोलते हैं आई रोटेशन, यानी आंखों का 360 डिग्री में आपको ऐसे पेन के द्वारा, पेंसिल के द्वारा आंखों का रोटेशन किया जाता है। थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाना बेटा, इसको आंखों का पूरा 300, गर्दन, इसमें आपकी गर्दन नहीं हिलेगी, गर्दन आपको ऐसी पकड़ के रखेंगे, आपके सामने पेन रखेंगे, पेन की जो नोब है उसको आप रोटेट करके, या आप अपना वीडियो बना के भी देख सकते हो कि मेरी पूरी आंखें रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे जैसे आंखों के अंदर है, नेक्स्ट इसमें रहता है कि आंखों में जो आपकी दोनों काले वाली पुतली दोनों सेंटर में, जैसे यहां बीच में रखेंगे तो दोनों यहां कॉर्नर पे आ रही है या नहीं आ रही, कई बंदों की ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इसमें कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो बेटा इसकी आप प्रैक्टिस कर लो। मैंने ऐसे ऐसे बंदे यहां डिफेंस में देखे जिनकी प्रॉब्लम थी, या कुछ बंदे घबरा जाते हैं, प्रैक्टिस करा के 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करा के उन बंदों को आर्मी में फिट कर दिया गया। तो इसमें कोई बंदा टेंशन नहीं, आई रोटेशन वाला है, आपको 360 डिग्री आपका घुमाएंगे, मतलब पूरी 360 में अप डाउन, दाएं बाएं और सेंटर में लिया जाएगा, तो उसमें कंपन भी नहीं होना चाहिए। कई बंदों की आंखें कांपने लग जाती, बेटा आप 1 महीना प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ठीक हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट है बंदों के आंख में काला धब्बा, जिसको तिल हो सकता है, कोई चोट का निशान हो सकता है या और कोई प्रकार की है। तो इसमें यदि आपको, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये काला धब्बा इस प्रकार का यदि आपको है, कईयों को जन्म से हो जाता है, या किसी को कोई क्रिकेट खेलते समय किसी को पत्थर लग गया, मिट्टी लगी है, कई कारण हो सकते हैं। यदि इस प्रकार का आंखों के अंदर आपका कोई काला स्पॉट है तो इसमें आपको मेडिकल पॉइंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये आप 50-50 मान के चल सकते हो, ये डिपेंड ऑन डॉक्टर है। आपको 50% नॉर्मल हुआ वो चेक करेंगे, उसको लगेगा ये जो धब्बा है इसको आगे आंखों में प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो आपको फिट कर देंगे। डॉक्टर को उस टाइम ये कंडीशन लगेगी नहीं कि ये बंदे को आगे जाके भविष्य में दिक्कत कर सकती है। आपको पता होना चाहिए फौजी बंदा सर्दी में भी, गर्मी में भी, धूप में भी, बारिश में भी, रेत में भी, पहाड़ी में भी, हर कंडीशन में हमें घूमना पड़ता है। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे नाइट ड्यूटी भी लगती है, डे ड्यूटी भी लगती है, हमें नाइट प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, डे प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। इसलिए बंदा आज को खासकर जीडी वाला एकदम परफेक्ट रहेगा, आंखें उसकी तंदुरुस्त रहेगी, तो ही आप वहां आगे कामयाब होगे, नहीं तो आप अपना भी नुकसान उठा लोगे और अपने साथियों को भी नुकसान में पहुंचा सकते हो। तो इसलिए आपकी आंखें ये चेक की जाती है, ये डिपेंड ऑन डॉक्टर 50-50%। ओके, नेक्स्ट हम अभी पॉइंट बताने वाले हैं आंखों के अंदर लेंस। आजकल तो पता, पहले तो होता था 50-60-70 साल के बाद में आंखों में बड़ी मुश्किल से लेंस लगता था, लेकिन आज के टाइम में आप लोग मोबाइल देखते हो, आप लोग टीवी देखते हो, और ऐसे कोई कई कारण है, आनुवांशिक हो सकता है, जेनेटिक मतलब हो सकता है, या आप अपने आंखों की केयर नहीं करते हो, तो क्या होता है आंखें खराब हो जाती है और कई बच्चे आंखों में लेंस लगा लेते हैं। यदि आपको आंखों में लेंस है तो आपको अनफिट किया जाएगा, फिट नहीं करेंगे। अब बोलेंगे सर आप आंखों में वहां कैसे चेक करेंगे, बेटा वहां अंधेरे रूम में ले जाके और टॉर्च मार के डॉक्टर चेक करता है, पता चल जाता है कि उसके बच्चे को लेंस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। लेंस है तो बिल्कुल आपको अनफिट किया जाएगा। ये पॉइंट आपका नेक्स्ट तीसरा पॉइंट था। अभी नंबर 4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस से भी बढ़िया, ये मतलब जो आप आजकल जो लेजर लेसिक होता है, आप लोगों ने सही कई बंदों ने कराया होगा। मेरे पास यहां कई बंदे आए जिनको 6x36 आंखें थी, मतलब चश्मे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, उसको बोलते हैं लेजर लेसिक। लेकिन आप जब भी ऑपरेशन कराते हो, लेजर लेसिक ऐसा है कि उसमें लेजर लेसिक का वो आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन अच्छे डॉक्टर ने कर लिया तो कई बार वो पकड़ में नहीं आता है। तो ये डिपेंड रहता है कि
किस प्रकार आपने उस बीमारी का इलाज कराया, डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस था। देखो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस के आधार पर ही होता है, कोई नया डॉक्टर लगा है, कोई 10 साल से उसी चीज में प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये बहुत फर्क रहता है। देखो एक्सपीरियंस का बहुत फर्क रहता है। तो लेजर लेसिक उसके पास मशीनरी क्या है या उसका एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा ऑपरेशन कर दिया यदि लेजर लेसिक तो कई बार पकड़ में नहीं आता है वहां आपका मेडिकल के अंदर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से किस डॉक्टर से आपने ऑपरेशन कराया। तो यदि लेजर लेसिक वाला है तो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके देख सकते हो, भर्ती में आप जाओ यदि लेजर लेसिक किसी का हुआ हुआ तो। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट आज रहने वाला है आंखों के अंदर जो आपकी काली पुतली होती है, ब्लैक स्पॉट, जो ब्लैक वाला होता है ना, ये ब्लैक के अंदर भी ब्लैक होता है, वो कई कंडीशन में क्या होता है कि एक छोटा एक बड़ा, जैसे आप बॉल की लगी है, एक हाथ की लगी है या कोई चोट लगी है, तो आपका ब्लैक है उसके अंदर एक ब्लैक और है, वो यदि छोटा बड़ा हुआ तो आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा, ये बंदा भी अनफिट किया जाएगा। तो इस चीज का भी आप चेक करा लेना, या आप फोटो खींच के आप या कांच के अंदर जाके आप देख सकते हो, मेरे जो कोए के अंदर कोया है ब्लैक वाला, वो छोटा बड़ा तो नहीं है, बराबर की साइज होनी चाहिए दोनों की। नेक्स्ट छठवां पॉइंट रहेगा कि आपकी दूर की दृष्टि और नजदीक की दृष्टि, मतलब आपको पढ़ाया जाएगा, आपने देखा होगा यहाँ जैसे हमारे डिफेंस में आते हैं तो बच्चों को हम दूर की दृष्टि और नजदीक की दृष्टि से, मतलब पेपर वगैरह आपको पढ़ा दिया तो नजदीक की दृष्टि होगी, दूर दृष्टि से उसमें आपका 6 मीटर का अलग अलग होता है, एक लाइटिंग वाला होता है, एक जो पेपर के ऊपर होता है, तो इनका डिस्टेंस अलग अलग होता है, उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें देखा जाएगा, खासकर मैं जीडी का बता देता हूँ, जीडी वाला बंदा 6x6 है, यदि क्लर्क टेक्निकल अने 6x9 तक भी उनका चल जाता है, चला दिया जाता है कई कई कंडीशन में 6x12, तो मतलब आप 6x9 मान के चलो क्लर्क टेक्निकल एने का, लेकिन जीडी के बंदे का 6x6 होगा तभी आपको वहां फिट किया जाएगा, अन्यथा आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अभी सातवां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कलर ब्लाइंडनेस, जो जेनेटिक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बंदों को ये प्रॉब्लम रहती है कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। कलर ब्लाइंडनेस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यदि आप चाहते हो सर और कोई वीडियो और बनाओ, एक दो आइटम का मैं आपको उसका लेटेस्ट वीडियो और बना दूंगा, यदि आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसमें क्या डालना, किस प्रकार ठीक किया जाता है, इसमें मैं अलग से डिटेल बता दूंगा। तो कलर ब्लाइंडनेस वाला मैं लास्ट में कवर करूंगा, उससे पहले हम लेते हैं आंखों का बेगापन। आंखों का बेगापन आपने देखा होगा कि बंदा देख इधर रहा है और दिख उसको इधर रहा है, वो क्लियर पता चल जाता है, मतलब आंखें उसकी तिरछी है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आर्मी के लिए अनफिट वो बंदा है। फौज की बेटा आप ट्राई नहीं करना, आप पुलिस की है या ऐसी कोई सरकारी जॉब पकड़ सकते हो जिसमें मेडिकल इजी होता है, लेकिन आर्मी SSGDM थोड़ा सा हार्ड होगा। ये कोई डराने की बातें नहीं है बेटा, लेकिन आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए। आप कई अकेडमी में जाते हो, वहां पैसे खर्च कर देते हो और आपको बताया भी नहीं जाता कि आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, वहां आपको साल भर रखा जाएगा, 1-1.5 लाख रुपए दोगे, लास्ट में बोलेगा ये मेडिकल अनफिट है। तो इस प्रकार आप गुमराह ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, आठवां पॉइंट रहने वाला है कि आपकी आंखें लाल, किसी को इंफेक्शन वगैरह हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी को पानी से एलर्जी हो जाती है, कई बार क्या होता है आंखें है तो पीली येलो रहती है या आंखें लाल रेड कलर में होती है, यदि वो सिचुएशन भी है किसी की, उसमें क्या होता है चोट की वजह से हो जाता है या किसी का अंदर से ब्लड सर्कुलेशन वगैरह या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, वो डॉक्टर साहब चेक करा लीजिए, आंखें लाल है, आंखें पीली है, तो आप इलाज करवा लीजिए, इसका इजी इलाज आपको मिल जाएगा। आप आंखों के अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, यदि उस प्रकार कोई बंदा वहां जाता है तो बेटा आपको वहां अनफिट करेंगे, इससे अच्छा आप पहले जाके इलाज करवा लीजिए, या आप मेरे को फोन कॉल करके पूछ सकते हो, कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो मैं आपको सलाह मशवरा दे सकता हूं। अभी नेक्स्ट नौवां पॉइंट है, आंखों के अंदर जाला आ जाता है। जैसे एक बच्चा आया था मेरे पास यहां बाड़मेर से, तो उसमें क्या उसको जेनेटिक प्रॉब्लम थी, उम्र क्या थी 17-17.5, लेकिन इस उम्र में भी बंदों को आंखों में जाला आने लग जाता है, समझ में आ गया, तो उसमें बच्चे को दिखाई कम देता है या देखता है तो बड़ी मुश्किल से ऐसे आंखों को बहुत ज्यादा ताकत लगता है दूरदृष्टि देखने के लिए, तो इस प्रकार का है तो जाले वगैरह का आंखों में जाला आ जाता है। पहले तो बूढ़े बंदों को आता, आजकल 16-17 साल से स्टार्ट हो जाता है, तो जाला किसी की आंखों में, तो आप उसका इलाज करा लीजिए, इसका भी बहुत इजी इलाज है, कोई मेजर इश्यू नहीं है, आप आराम से कोई बढ़िया डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे तो आपको इलाज भी करेगा और आपका ये बीमारी भी ठीक करेगा, जो आगे भविष्य में वैसे ये बीमारी होने वाली ज्यादा होगी, तो इससे अच्छा इसका टाइम रहते ही आप इलाज करवा लीजिए। और अभी नेक्स्ट हम पॉइंट जो मैंने बताया था पहले कलर ब्लाइंडनेस का, बेटा कलर ब्लाइंडनेस का ला इलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि आंखों में आप थूक वगैरह
वगैरह डाल के ठीक कर सकते हो, या एक सूरमा आता है जो हमारे यहाँ मेरे बच्चों को लकी डिफेंस एकेडमी में मेरा एक जान पहचान का उससे मैं मंगाता हूँ, वो सूरमा डलाता हूँ, तो उससे भी काफ़ी बंदों का फर्क पड़ा है। तो ये कई चीज़ें मैं देखो आपको घर पर नहीं भेज सकता, कहीं बोलते सर घर भेज दो, घर वाला इतना बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, डिफेंस से मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है, यहाँ जो आता है उसको मैं प्रॉपर इस चीज़ से मतलब इनका इलाज कर देते हैं या मेडिकल कोई भी इशू होता है तो वो बता देते हैं और उनको ठीक करा दिया जाता है। तो ये था आज के 10 पॉइंट थे, आंखों आंखों के ऊपर आपके 10 है, हो सकता है 2-4 पॉइंट और छूट गए होंगे, लेकिन जो मैंने 10 बातें बोली है ये 10 के पॉइंटों का तो ध्यान रखो और इसका टाइम से इलाज करो, और जो मैंने बोल दिया है कि नहीं होगा इसका मतलब वो नहीं होगा। अब बाकी बोलोगे सर हमारा आर्मी में लाइजन है, वो आपकी मर्जी, उसका मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैंने आज पॉइंट्स बोल दिया आप इन एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनो और इसका इलाज कराओ और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भेजो, तो वो बंदा भी गुमराह नहीं हो, खासकर कई बार मेडिकल अनफिट की वजह से यह बंदा मेहनत करा साल साल भर लगा के और मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है, तो इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। तो आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपको आर्मी से संबंधित और अच्छी अच्छी बातें आपको मिलती रहेगी। आपका कोई भी सुझाव हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, और जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।